भारत माँ ये वो जननी है जहाँ हजारों साधु संतों ने जन्म लिया है और उन्हीं में से एक नाम है नानाजी महाराज, जिनका जन्म 5 मार्च 1961 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका में देवाड़ा खुर्द ग्राम में एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्म हुआ। पिता बापू कामड़े और माता बनाबाई कामड़े, इनके 2 पुत्र और 1 लड़की, ऐसा एक छोटा सा परिवार। हालात और मजबूरी ने गरीबी का ऐसा सिकंजा कस दिया कि पिता बापू कामड़े शराब जैसे व्यसनों के आदि चले गए और इसी कारण अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी। और एक दिन ऐसा आ गया कि अपना शौक पूरा करने के लिए केवल 15 रुपए में अपने ही संतान को, यानी कि 6 से 7 साल के उस बालक को मुंडी कोटा गांव के ही एक भिखारी को भेज दिया। ये बात जब गांव के ही फुंडे नामक पटेल तक पहुंची तब उन्होंने वही 15 रुपए लौटा कर नाना को घर वापस ले आए। ये बात जब नाना जी के पिताजी को रास नहीं आई और वो आग बबूला भी हो गए। और एक दिन उन्होंने मौका देखकर उस मासूम नाना को कुएं में डाल दिया। वो मासूम बालक 4 से 5 घंटे तक उस कुएं में मौत से लड़ता रहा, चिल्लाता रहा। तब गांव के कुछ लोगों ने देखा और उसे बाहर निकाला। तब उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर सब अचंभित रह गए। तब उनकी उम्र 7 या 8 साल की थी। इतना करने पर उनके पिता रुके नहीं और एक दिन गांव के ही नजदीकी रेलवे पटरी पर उस मासूम नाना को रस्सी से बांध दिया ताकि रेलवे से कर जाए और फिर कभी ये घर वापस ना आए। तेज गति से रेलवे पटरी पर दौड़ रही थी। जैसे ही नजदीकी पहुंची कि तब अचानक सभी रस्सियां टूट गई। तब नाना प्रणाम करके उसी अवस्था में सोए रहे और तेजी से रेलवे वहां से निकल गए। लेकिन कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, जाको राके साया मार सके ना कोई। ये संपूर्ण व्याख्या जब किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये बात जब उनकी माता बनाबाई को पता चली तो वो गहरी सोच में पड़ गई और अपने 2 लड़के और 1 लड़की को लेकर अपने मायके परसवाड़ा गांव अपने माता पिता के पास आ गए। उस समय महाराज की उम्र पढ़ने लिखने की थी, किंतु कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल था और इसी कारण पढ़ने लिखने की बजाय वो पूरे गांव की गैया चराने ले जाते थे और उनकी माता जी गोबर उठाने का काम करती थी। ये दिनचर्या यही कुछ दिन तक के चलती रही। तब एक समय की बात है, गुरु पूर्णिमा के दिन महाराज जी हमेशा की तरह एक खेत में गैया चरा रहे थे। तब अचानक न जाने कहां से एक जहरीला सांप निकला और महाराज जी को डंक मारकर चला गया। शाम वे घर आए और माता जी को सब कुछ आप बीती बताने लगे। तब गांव वालों ने मिलकर नीम हकीम से उपचार करवाया, परंतु दवा का असर न होने के कारण महाराज जी का खाना पीना बंद हो गया और वे झाड़ की पत्तियां, वनस्पति, जड़ी बूटी खाने लगे और उसी दिन से अकेले अकेले भ्रमित से रहने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद पोले के दूसरे दिन फिर एक बार गवारिया नामक एक जहरीले सांप ने महाराज जी को डंक मार दिया। फिर गांव वालों ने मिलकर नीम हकीम, जड़ी बूटी, सभी प्रकार का इलाज करवाया, फिर भी दवा का असर न होने के कारण महाराज जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही भ्रमित सी रहने लगी और वे अकेले अकेले रहने लगे, मानो उनकी सूझबूझ खो गई हो। और उस अवस्था में 10 से 15 लोगों को वो संभल नहीं पाते थे। कुछ इस तरह की परिस्थिति में एक दिन भटकते भटकते चांदपुर के पहाड़ों पर निकल पड़े और चलते चलते रामटेक पहुंच गए। ऐसे में उनकी मुलाकात श्री संत अंधेर महाराज, चंदननाथ महाराज, संत गुलाब बाबा, नागपुर के संत कनेर महाराज और संत लहरी बाबा जैसे महान संतों के साथ उनकी मुलाकात हो गई। रामटेक में उनके संग कुछ समय बिताने के बाद वो बुलढाणा जिले के संग्रामपुर तहसील के काटेल होते हुए
राष्ट्र संत श्री तुगड़ोजी महाराज इनके मोजरी गुरुकुंज आश्रम पहुंच गए और फिर पारण सिंगा की सती अनुसया माता के दर्शन पाकर इन महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके वो अपने मामा के गांव परसवाड़ा के लिए निकल पड़े। आते जाते जो भी परिचित व्यक्ति उन्हें मिलता तो महाराज उन्हें बताते थे कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम होगा भी या नहीं। महाराज जी के मुख से जो भी शब्द निकलता था ठीक वैसे ही हुआ करता था, मानो महाराज जी उनकी भविष्यवाणी कर रहे हो। धीरे धीरे ये बात लोगों तक पहुंची तो लोग बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हें मिलने के लिए आ जाते थे। तब महाराज जी अपने छोटी सी झोपड़ी में बैठकर लोगों को सत्संग सुनाते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और उनकी महिमा बढ़ती रही। और इसी दरमियान सन 1978 में 11 मई को रेणुका जी से उनकी शादी हो गई। कुछ दिन बाद जब उनको संतान हुई तो एक के बाद एक तीनों संतान गुजर गए। तब महाराज जी ने ये बात श्री संत लहरी बाबा को बता दी। तब श्री संत लहरी बाबा ने उन्हें मकान बदलने की सलाह दी, लेकिन तब उस गांव में कोई भी व्यक्ति उन्हें मकान देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में श्री बाबूराव जी गायधनी गुरु जी उन्होंने अपने घर में रहने की जगह दी और वहां से फिर से महाराज जी ने अपना सत्संग वहीं शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें तीन संतान हुई, अजय, विजय और कन्हैया। इस तरह अपने छोटे से परिवार के साथ आनंद और प्यार से वो रहने लगे। तब लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया था। तब उनकी मुलाकात तुमसर शहर के प्रेमलाल जी चिंधालोरे इनके साथ हो गई और उन्होंने स्कूल के सामने छोटा सा आश्रम बना दिया। दिन ब दिन उनके सत्संग के माध्यम से हजारों लोग जुड़ते चले गए। श्रद्धा और विश्वास के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा अनेक राज्यों से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। नागपुर के कुछ दानशूर और परम पूज्य राष्ट्र संत तुकड़जी महाराज के आशीर्वाद से देखते ही देखते उस जगह का भव्य आश्रम, ध्यान रूम, यज्ञशाला, भोजन गृह और सत्संग हॉल बन गया। धीरे धीरे लोगों की तादाद और उनके भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ विस्तार करना अभी अनिवार्य हो गया है। नानाजी महाराज हर दिन श्री राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज की नियमित सामुदायिक प्रार्थना ध्यान करने से लोगों का कल्याण होगा ऐसा मानते हैं। ये उनका मानना भी है और ये उनका जानना भी है। कुछ तांत्रिक असुविधाएं दूर करने के लिए श्री गुरुदेव धाम मानव कल्याण सेवा में ट्रस्ट निर्माण किया गया। नानाजी महाराज के विचारों का प्रचार और प्रसार करने हेतु हर वर्ष रोग निदान शिविर, रक्तदान शिविर, राष्ट्रीय कीर्तन एवं सामूहिक विवाह समारंभ पिछले 42 सालों से आयोजित किया जाता है, जहां हजारों लाखों गरीब परिवार इसका लाभ उठाते हैं। आज तक 500 से भी ज्यादा शादियां सर्वधर्म और जाति पंथ की लगाई गई। ये पुण्य का काम उन्हीं के हाथ होता है जो ईश्वर के नेक बंदे होते हैं। महाराज जी की एक खूबसूरत सोच है कि इस संस्थान में स्कूल, कॉलेज, वाचनालय, गौशाला और समाज सेवा हेतु एम्बुलेंस, स्वर्गरथ लेने के विचार में है, ताकि यहाँ आने वाला हर एक भक्त शिरडी, शेगांव, पंढरपुर जैसे पवित्र स्थानों का आनंद ले सके। आज इसी पावन भूमि पर कई नामवंत मंत्री, राजनेता, अभिनेता, आमदार, खासदार, सभी पंथ और धर्म के लोग पूरी श्रद्धा एवं पूरे विश्वास के साथ अपना सर झुकाते हैं। सती अनुसया माता, संत श्री लहरी बाबा, काड़े महाराज, सातारकर महाराज, सत्यपाल महाराज, इन महात्माओं का दर्शन और इनके वाणी का यहाँ लाभ मिलता है। हर वर्ष महायज्ञ के माध्यम से यहाँ का वातावरण आश्चर्यकारक, मनमोहक और सदा प्रसन्नमय रहता है। इस पावन भूमि पर आने से एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। नानाजी महाराज के लिए कहते हैं कि इस पावन भूमि में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है
जो जैसी नियत रखता है। गुरु मिलना यह भाग्य की बात है, लेकिन नाना जी महाराज जैसे सदगुरु मिलना ये सौभाग्य की बात है। जय गुरु। ताबा करून टाकलेला होता, घर खाली करायला तयार नव्हते, सपोर्ट कोणाचा होता नाही, म्हणजे ते निघतच नव्हते माझ्या घरून। मग काय करायचं बा, मुलाचं एज्युकेशन होतं, कसं शिकवायचं आपल्या मुलांना, आपल्याला घराचं भाडं नाही येणार, एकमेव म्हणजे साधन मला भाड्यातूनच आपल्या मुलाचं एज्युकेशन वगैरे करायचं होतं, कसं काय करायचं। मग आम्ही दोघं जण, मी आणि माझे मिस्टर खूप टेन्शनमध्ये गेलो की काय करायचं। आखरी असं वाटायचं की जोहर खाऊन मरून जायचं, कारण आपल्या मुलांना शिकवायला, आपल्याला फॅमिली सांभाळायला जो आधार बेस होता तोच खाली होणार नव्हता, तर काय करायचं बा। मग यांचे एक मित्र होते हेडाव म्हणून, तर ते आले ग आमच्या घरी आणि त्यांनी सांगितलं की परसवाड्याला असं असं आहे बा, तिथे जाऊन बघा, महाराज आहे, ते सांगतात तुम्हाला, म्हणजे तुमचं घर खाली होईल नाही होईल तेही सांगेल। मग आम्ही दोघंही जण महाराजांकडे या ट्रस्टीमध्ये काहीच नव्हता, ही ट्रस्टी व्हायचीच होती। तेव्हा आम्ही इथं सेवा करायला यायचं, या ठिकाणी एवढाला कचरा राहायचं, इथं 8-8 दिवस तासायचं, 10-10 लोक आम्ही या ठिकाणी राहायचं, 12-12 दिवस इथं काम करायचं। तेव्हा नाना महाराजाकडून मी जुडलो, 32 ते 35 वर्ष झालं नाना महाराजाशी जुडलेला, माझा मुलगा नाना महाराजाकडून चांगल्या पद्धतीनं नोकरीवर आहे, मला प्रसाद मिळली 35 वर्षामध्ये नाना महाराजाची। मी रुनिया, ये सामने से अपने पैर पड़ते हैं और कोई क्रेडिट खुद नहीं लेते, सब क्रेडिट टुकड़ो जी महाराज की, हम तो उसके सेवक हैं। वो ये कहते हैं कि आप नीचे बैठे हो, आप जमींदार हो, मैं तो ऊपर आसन में बैठा हूँ, मैं सेवक हूँ आपका।